बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टेंथ इस्लामियात की न्यू बुक, इसका बाब शशम, हिदायत के सरचश्मे और मशाखीर इस्लाम। इसका पहला चैप्टर है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। मश का पहला सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला एमसीक्यूज़ है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का लकब है, ऑप्शन अलिफ खलीफ़ल कुरआन। दूसरा एमसीक्यूज़ है वालिद माजिद की वफ़ात के वक्त हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की उम्र थी 8 साल, 18 साल, 28 साल या 38 साल। तो इसका ऑप्शन बे जो आवे 18 साल। तीसरा एमसीक्यूज़ है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब फ़िक्का है, ऑप्शन दाल फ़िक्के ज़ैदिया। चौथा एमसीक्यूज़ है विसाल के वक्त हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक थी 42 साल। पाँचवा और आखिरी एम सी क्यूज़ है इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की 30,000 अफराद ने, 40,000 अफराद ने, 50,000 अफराद ने या 60,000 अफराद ने। तो ऑप्शन बेस का जवाब है 40,000 अफराद ने। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए। पेज नंबर 78 पे आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। शॉर्ट नंबर 1 का आंसर, आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बा सआदत 76 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 1 का आंसर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे। शॉर्ट नंबर 2 का आंसर, पेज नंबर 79 आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे, वल्लाह मैं पसंद करता हूँ कि रात के तारे मेरे हाथ लगे और वहाँ से गिरकर मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, और अल्लाह इसके एवज़ में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 2 का आंसर। तीसरा शॉर्ट है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब हुकूमत कहाँ कायम हुई। पेज नंबर 79 पे आपने थर्ड शॉर्ट का आंसर यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। आप रहमतुल्लाह की शहादत के बाद यमन में बाकायदा तौर पर आपसे मंसूब जैदी हुकूमत भी कायम हुई। यहाँ तक है शॉर्ट नंबर 3 का आंसर। चौथा शॉर्ट है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करने वाले मुहद्दिसीन में से किसी दो के नाम। पेज नंबर 79 पे आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। शॉर्ट नंबर 4 का आंसर, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई और इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैहिम। यहाँ तक शॉर्ट नंबर 4 का आंसर है। इसमें से कोई से आपने दो नाम तहरीर कर लेने हैं। आखिरी शॉर्ट है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर जामे नोट लिखें। पांचवें शॉर्ट के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। चैप्टर की फर्स्ट लाइन है हज़रत इमाम जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में नुमाय शख्सियत हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बा सआदत 76 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बेटों में हज़रत इमाम बाकिर के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को नुमाया मकाम हासिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह बुलंद कामत, हसीनो जमील और बावक़ार शख्सियत के हामिल इंसान थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में कुरानी उलूम में महारत हासिल की और खलीफुल कुरान के लकब से मशहूर हुए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।